ये कहानी एक छोटे गांव की है जो एक घने जंगल में बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपने सपनों को पूरा करने की चाहत और आदिवासी रहने की सोच के साथ बहुत समय से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस गांव की एक कहानी थी जो किसी के मन में डर और रहस्य की भावना भर देती थी। एक बार की बात है, गांव के पास एक पुराने हवेली का आवास था। वह हवेली बहुत ही भयानक और खाली पड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो लोगों को डरा कर उन्हें मारने के लिए बुलाता है। इसके बावजूद कुछ उत्साही लोगों ने उस हवेली की जांच करने का निर्णय किया। उनमें से एक युवक नामक राहुल था जो कि साहसी और निर्भीक था। उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर यात्रा की। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली की हल्ला गली में कोई अजीब और भयानक भूतिया आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही राहुल ने हवेली के दरवाजे को खोला, वहां उसे बिल्कुल अंधेरा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट को चालू किया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर वह देखता है कि सभी कमरों में डरावनी चीखे और भयानक आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन वह अपने आप को साहसी बनाकर आगे बढ़ता है। राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली को पूरी तरह से जांचा, लेकिन कहीं भी कोई भूत नहीं दिखा। वे बस यही समझ पाए कि शायद लोगों की भ्रमिति थी या फिर कोई और खिलवाड़ चल रहा था। लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकलने लगे तो एक भयानक सांस उनके कानों में सुनाई दी। वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां उन्हें एक भूत दिखाई देता है। वह भूत बहुत ही भयानक और डरावना था। उसके आंखों में काली लकीरें थीं और उसके मुंह से आग की लपटें उगल रही थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने भागते हुए हवेली की ओर दौड़ा, लेकिन भूत उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे भयभीत होकर जंगल में भागते रहे, लेकिन उनकी भागती हुई आवाजें और भयानक ध्वनियां उन्हें आसपास के जंगल में घेर लेती थीं। सबके साथ ही राहुल ने भी भागने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और एक अंधेरे और घने जंगल के माध्यम से भागने लगा। लेकिन भूत उनके पीछे पीछे था और वह लगातार उन्हें डराता रहा। अंततः राहुल और उसके दोस्त भगवान की कृपा से बच निकले, लेकिन उनका डरने और भागने का मन नहीं थमा। उन्होंने किसी भी राजीनामा नहीं दिया और जंगल से बाहर निकलने के बाद भी वे बहुत ही भयभीत थे। ये घटना गांव में फैल गई और लोग अब भी हवेली से दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वहां भूतों का वास है। लेकिन क्या ये सच है या फिर किसी और रहस्य का हिस्सा है, ये जानने के लिए किसी और का अभ्यास करना पड़ेगा।